हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की मेरी स्पेशल रेसिपी है शकरकंद की खीर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 शकरकंद, शुगर, कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने बारीक कट कर लिए हैं, ये मैंने घी लिया है, और यहाँ पे मैंने 300 ml मिल्क लिया है। मैं सबसे पहले यहाँ पे शकरकंद को ग्रेट कर लूँगी अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसे ग्रेट कर लें अच्छी तरह से। और मैं आप सभी को बता दूं कि शकरकंद खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हमारी आँखों की रोशनी तेज होती हैं और इससे दिल की बीमारियां भी दूर होती हैं। सो आप सभी शकरकंद की न्यू रेसिपी ट्राई करें और इसे अपने घरों में बनाएं। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ग्रेट हो चुका है। आप इसे चाहें तो बॉईल करके भी बना सकते हैं। अब मेरा शकरकंद ग्रेट हो चुका है, आप देखिए कितनी बारीकी से अच्छी तरह से ये ग्रेट हुआ है। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, मैं इसमें घी ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच। घी को 1 मिनट थोड़ा हल्का गर्म होने दें। उसे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड शकरकंद। 5 से 8 मिनट तक हम इसे हल्की आंच में इसे फ्राई करेंगे। पाँच मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये हमारा फ्राई हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं, लाइट ब्राउनिश हो चुका है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर लूँगी और इसे अब हम पकने देंगे अच्छी तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल सेवई की तरह लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी 1 चम्मच, वो बिल्कुल ऑप्शन है। आप चाहें तो चीनी अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि शकरकंद में ऑलरेडी स्वीटेन टेस्ट होता है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकने दूंगी। आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये आपका नीचे से चिपकने लगेगा।
आप देख सकते हैं हमारा खीर पक चुका है। अभी मैं इसे हल्का सा और ड्राई होने दूंगी। मैं इसे अच्छी तरह से मिलाते रहूंगी, बिल्कुल भी इसे ना छोड़े, नहीं तो ये नीचे से आपका चिपक सकता है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी और इसे थोड़ी देर और पकने दूंगी। इसे अच्छी तरह से चलाते रहें, बिल्कुल भी इसे छोड़े नहीं, नहीं तो ये नीचे से आपका चिपक जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरी खीर बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है और इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। आप सब भी इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और 5 मिनट तक ऐसे ही इसे रहने दें। 5 मिनट बाद आप इसे सर्व कर लें। अब मेरी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लूँगी। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।